ए ना, मैं यहाँ की तरह लटकाऊंगा बाइक पर पीछे जैसे ही लटके हो। मम्मी जाऊंगा। और दीदी मैं एक तरह लटकूंगा जैसे ही बाइक पर लटक जावे हो। ब्लॉग कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है सुबह और सुबह की शुरुआत मेरे ब्लॉग के साथ, और बच्चों का हो चुका है स्कूल जाने का टाइम, क्योंकि आप सब देख सकते हो 8 बजने वाले हैं। ये लास्ट टाइम तक तैयार नहीं होता है, इसे कुछ ना कुछ सब कुछ एक एक करके बताना होता है। और आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने तो खैर जा रही हूँ, कभी कभी होता है कि मैं चली जाती हूँ, बट मेरा फ़ोन आप देख सकते हो फ़ोन चार्जिंग पे है। बट आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। बेटा जल्दी जल्दी हो गया जी आओ जी, कैप पहनो जी, लो और हैंकी दोनों की देखो, हैंकी इनकी पिल्लो बनी हुई है ना। थैंक यू, लो जल्दी फटाफट से जल्दी चलो। आओ भैया का नहीं अपना, लो थैंक यू, यूज नहीं करते किसी का, गंदे होते हैं। मेरे भाई मस्ती कर रहा और मैं कैप्चर ना लूं, ऐसा चाहती है मेरी मम्मी। मैं सोची और अटैक मुझ पर होएगा। सर में मेहंदी लगाने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताया विकी ने, कीप ले ओ, और जहां जहां व्हाइट बाल है मेहंदी लगा दो, हाथ भी खराब नहीं। सही में मम्मी जैसा आप खड़ी हो ना इस टाइम छुट्टियां करके, ऐसी लगा लो ऊपर ऊपर दे दिख रहे सारे। मैंने क्या हूँ और कुछ कुछ तो होएगी। एक बार चुंडी ओढ़ के दिखा दे भाईटा मेरा, विकी तू दिखा नू, बता किस बात किस बारे में, जुड़ सा मेरा भाई है ना, आज पता चलेगी मैं बेस्ट, मेरा कूड़ सा भाई है जो मेरा बेस्ट भाई है, वो चुन्नी ओढ़ के दिखाएगा बस। इन चीजों में नो और कई चीज में लिया जा आज कोड़ी नु बता, तुझे शर्म खाएगी है, शर्म खाएगी नु बता, शर्म खाएगी, बहुत शर्म की बात है। मैं या यू कलर अच्छा लग रहा है, दूसरी लाओ फिर, दूसरी लाओ, सही बता। चल ठीक, मैं चुन्नी ओढ़ूंगा या सूट सलवार पहन आएगी, वो है ही तो मेरे बेस्ट भाई, मनीषा दीदी का भाई है, जो बुरा है वो या कॉम करेगा, जो अच्छा हो चुन्नी ओढ़ा के बता। हाँ तो पहला खाना यही सूट है। शिवानी नो कह मेरे हिस्सा में ना मम्मी ना पापा ना भैया ना तेरे भाई है, हाँ तेरे भाई राम जी के घर गए, तेरे ऊपर हुई हुई है मेरे तो है ही कितने भाई, और उन दोनों को बटे तो चुन्नी ओढ़ के दिखा, बात है मत पलटे, बाबिन पता माने कहा गई है। सही गई मैं ना, यहाँ के सम सबको प्यार। मम्मी तुम्हारे चाचा की पोती को जो लड़का है वो आपको क्या लगा है? चाचा की पोती को लड़का, पोती को बेटा लगो मानत तुम्हें, पोता लगो ए चाचा की पोती का लड़का, और कहा लगा बस एक मिस्टेक रहेगी अब, बात में लड़की कहनी वो लड़का ना कहनी, फिर आप दादी लगते रिंकू की लड़की की। ए राकेश
या धूप दिखाएंगे और फिर विकास दिखा यो अब तक गर्म पानी ना हुए हद हद ए ओढ़ले लेमन कलर की इतनी अच्छी चुन्नी और गाना गावा पे ओढ़नी ओढ़ के नाचू कितना इजी है ओढ़ना देखे कैसे के कोट पैंट वेयर चल लेगा 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 पैरों के लोन दिया तो सब काम कर ले बेचारे भाई तू कहना सब चीज छीन ली बेल बॉटम की पैंट पिला दे बना दी कोट पैंट कहेगा मैं कोट पैंट भी पहन लूंगी तू कहते है जर्सी पहन लो और जगतपुर तक पहन के भी गई मैं आप चले जाओगे जगतपुर तक गई पहन के लौंडा ही ना पहन सके बस अब नहीं है तू मेरे बेस्ट भाई क्यों कर लो गैस पे जब इतना गर्म हो रहा है सर्दी में तो मैं गर्म से भी ना हूँ यार धूप दिखा दे एक बार यार देखो दिखना तो मेरे फेस फेस तो ही पता लग जाएगी यार रोड दिखा देखा अभी आई है और बोलो गर्म पानी हाथ डाल के देखो अच्छा आज बड़ा बोरिंग सा दिन है आज है थर्सडे इसमें तो बस सोते रहो तोड़े की तो बहुत कम है तो जो कराता तू परेश कर ले परेश तो छोड़ दी पापू भी कह परेश तो छोड़ दी करवा ना परेश वो तो सीधे तह बना दो नहीं तो वे नहीं पड़े रहे ढेर लगते रहे उनके एक बात सच सच बताना किस किस को ससुराल में 10 बजे तक काम हो जावे और किस किस को पीहर में वो काम वही काम 12-1 बजे तक न होता इसमें फर्स्ट मैं हूँ और वाकई में ही 10 बजे तक मेरा काम हो जावा है अब से 1 साल पुराने व्लॉग आप कोई भी निकाल कर देख लेना सारे व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा सुबह 5 बजे उठे जोत बत्ती करी झाड़ू पोछा करे और नहाए धोए सब कुछ बच्चे जावा है ना 8 बजे तक और यहाँ आप सब देख सकते हो कि कितना लेट हम निमटते हैं और दूसरा अगर रिसेंटली अभी आपको जानना है कि ससुराल में हमारा काम कब तक हो जाए तो आप देख सकते हो शिवानी के व्लॉग जाके सेम वही रूटीन से मतलब एक परछाई हो ना वो इस तरह है मेरी और सेम सब कुछ ऐसे ही कर रखा हो उसने जैसा मैं करती थी तो आप सब देख सकते हो भाई मेरा तो पीहर में बिल्कुल भी काम करने जी करता ना यहाँ तो खवा दो घुमा दो खाने की शौकीन घूमने की शौकीन और शॉपिंग करने की शॉपिंग बस फिर पीआर की सकेंगे अगर ये शौक मोदन करवाएगा बस ये चीज अच्छी लगे और ससुराल में तो सच बताऊं काम करो क्या सब्जी बनानी है दिन में ही मतलब शाम के खाने की टेंशन मुझे 4 बजे बना वही मैं 4-5 बजे खाना बना वही मैं 3 बजे 2:30 बजे बोलना स्टार्ट कर दे वही मन की क्या सब्जी बनेगी क्या होएगा कॉलेज के दिन याद आ गए मैं तो कॉलेज जाते थे यहाँ तो ऐसी ऐसी आ रही है जिनको पीहर जाने को भी मन न करता आज मम्मी मामा के जा रही हैं और हम कह रहे हैं मम्मी एक रात रुक के आ जाइए तो मम्मी को रिप्लाई मम्मी रुक के आओगी नो प्लीज 3 बजे तो मैं नहीं रुकेंगी और असोला की लड़की तरस जावे कब हम अपने पीहर को जाएंगे मुझे जब मैं धंतले में रह गई मुझे ऑफर दिया जावे है ना कि कहाँ जाना पसंद करेगी ओनली ऑन असोला जाना पसंद करूंगी और यहाँ की बहुन को जी ना करे बिल्कुल भी अपने पीहर जाने का कोई ना जाती है तो एक दिन वे कह रही मुझसे मम्मी कपिल भाई की बहू कह रही ना दीदी अपने गांव जाने की जी ना करता वहां तक काले होकर आई यहाँ रहते हैं बढ़िया मैंने की बढ़िया भाई हमारे असोला में इतनी खूबी है देख लो यहाँ की बहू उनको अपने पीहर जाने की जी ना करता ना तो पिछड़ों की मिला साल आखिर पे कौन आई जो 10 दिन रहे हो ना आज तुम्हें एक रात रहे आओ जाओ एक रात रुक जाओ बस जाओ हम 1 साल से रुक रहे एक रात न रुक आ सकते जी ना मन मन ना लगे मम्मी मम्मी को ही ना लगे पापा के भी ना सारी सिलाई धर रहे मैं क्या करूं मार तो सिलाई दो तो पर लगवा लियो काटो मम्मी सूट कटवा भोग लगा दे टाइम पास मत करे ते तो सूप धोक रहा बुबा क्या ले बुबा तेरी चे
ये मेरे जीजा आया जीजा चल के सब मी? सब घास कुत्ते इनको ना होती है व्हाट यू मीन नो कुत्ते मतलब बोला मावत कैसे हैं तुम मम्मी भाग गया बोला पापा भाग गया इतने अच्छे आदमी कोई छोड़ के जा सके पागल ही होगी वो हम तो ना पागल जो मेरे पापा छोड़ के जाएगी वो पागल होएगी मैंने कोई थमा नाम लिया ना मैं पागल हूँ भी ना तू नाम ले मत इतना बढ़िया लड़का मिला था मैं जो ढूंढने से ना मिलता झटके तो राकेश ने लिए कोई और वार होते भाग जाते छोड़ ऐसा हीरो सा लड़का छोले भटूरे खाते कहीं और बहुरी मैंने भिंडी खाई जबी तो वे भाड़ू हो गए सास तेने के कुछ खायो री जेठा के होने में बहुरी मैंने आडू खाई री जेठा के होने में जबी तो वे भाड़ू हो गए री आडू के खाने ते तेने के कुछ खायो री देवर के होने में बहुरी मैंने पेठा खायो री बेटा जाड़ेगी पता देवर पड़ेगी। के होने में जबी ना पेठा हो ना अब भूल गई मैं अब मेरी याद ना बेटा करे थोड़ी करेंगे सास तने के कुछ खाया री राजा के होने में बहुरी मैंने गोले खाई री राजा के होने में जब तो वे भोले हो गए री गोले के खाने से नणंद के लिए दो कहवे एक तो भिंडी के वाकत में रिप्लाई देना ना चाहती एक कुछ और भी कहवे वेल्ट्रॉन जा रही हूँ मम्मी मम्मी कैसे जी लगेगा मेरा शाम तक जैसे हम लगा हुए जब मैं कहीं जाऊँ विकास मम्मी बाय मैं ही चली जाती ना तुम बाय उतर जा नजर लग जाए तो ना आई ना कभी पी के ले जाऊंगा एक दो छठते ही तीन कह दी मन तो ए ना मैं यहाँ की तरह लटकाऊंगा बाइक पर पीछे जैसे ही लटकाया हो मम्मी जाऊंगा आ दीदी मैं एक तरह लटकूंगा जैसे ही बाइक पर लटक जावे हो विकास ही हो लटक जावे जब कोई मौका जावे ओए पेट्रोल पंप पे हवा डलवा लिया हमें अरे मैं तो नहाऊ मम्मी जा चुकी है मामा के यहाँ पे और मम्मी ने कल ही बोल दिया था क्योंकि नानी की हो रही है तबीयत खराब तो मम्मी को ये था कि मतलब अब कई दिन हो गए कई दिन क्या हफ्ते सारे हो गए नानी को बीमार हुए तो मम्मी बोल ही रही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा मुझे तो अपनी बीवी को देखने जाना है नानी को बीवी बोलते हैं हम सभी तो आज मम्मी गई कल ही बोल रही थी मम्मी कि कल मैं जाऊंगी और कल से ऐसे हो रहा है मम्मी चली जाएगी तो मेरा टाइम पास कैसे होएगा और सच में मम्मी ने वो चीज बोली दी कि जब तू जावे जिस तरह हम टाइम पास करें ना उस तरह तेरे टाइम पास हो जाएगा हमारे पास तो फोन है टाइम पास कर लेते हैं हम रील देख लेते हैं
और हमारी मम्मी के पास तो वो भी नहीं है, और आपने देखा ही है कहीं ना कहीं आना जाना होता ही रहता है, उस बीच मम्मी रहती है। सच में ही सोचती हूँ कि मतलब मम्मी कैसे रहती है। अब मुझे ये हो रही क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज कपड़े धोएंगे, अगर कपड़े धुल जाते मशीन लग जाती तो पूरा टाइम हो ही जाता। अब बच्चे भी नहीं है, आज मैं और विशु ही है, अभी पापा भी नहीं आए घर पे कि भाई पापा भी आ गए हो, अभी पापा नहीं आए, अब बस मैं विशु और बच्चे आएंगे स्कूल से, पापा भी आए नहीं है। आज का दिन तो बड़ा अजीब लग रहा है, कैसे कटेगा अभी से ही सोच सोच के। और जब तक यू ही मैं इसलिए बैठी ही, मैंने की मैं आराम से बाद में करूंगी, झाड़ू पोछा तो खैर मेरे हो गए, मैंने की और बाकी का काम बाद में करूंगी, वरना फिर अभी सारा टाइम कट जाएगा तो फिर दिन में टाइम पास ना होगा बिल्कुल। सही कह, माँ बिन कुछ नौपी हर में, मम्मी और पापा ही हो गए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो पी हर में। और वे ना हो ना, कभी भी हम ससुराल से आवे ना, एक दो बार ऐसा हुआ जैसे मैं भैया दूज पे या रक्षाबंधन पे आई, मम्मी हो ना मिलती, क्योंकि हम मम्मी बोल दे भाई कि मम्मी आप तब तक हो आना, और फिर भी घर में आके सबसे पहले ये पूछे अगर मम्मी दिखाई ना दे, मम्मी कहाँ गई, ऐसी यू रह भाई। सही में एक लेडी पूरे घर को हैंडल कर ले वह, और एक लेडी पूरे घर वालों से न संभलती, पूरे घर वाले उसकी जॉन के लिए आए रहे कि ये ऐसा है ये वैसा है, जबकि एक दिन वो कहीं चले जाना तो पूरे घर का उथल पुथल हो जा, पूरे घर में ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो मैं आ जा भी नहीं, मुझे फोन कर करके पूछे अपने आने जाने के कपड़े ना, जो इनके कपड़े रह गए बाहर भीतर के, मेरी वो पैंट कहाँ, मेरी वो शर्ट कहाँ। और आज एक साल से ज्यादा होगा ऐसी टाइम काटते काटते, आंखों में दर्द है, देखने वाले को दिखते हैं वो दर्द, लेकिन जिनको लगता है कि कोई वो ही नहीं है, ये यहीं से पता चलता है। जो सोचते हैं, जो नेगेटिव कमेंट है, या फिर जिनके मन में है मेरे लिए कि पता नहीं क्या ही, अब एक बार बताओ भगवान ना करे इनकी जगह मुझे कुछ हो जाता तो ये भी तो खुश रहने की कोशिश करते, किसके लिए, दक्षु पार्थ के लिए, क्योंकि अब जो जिंदगी है वो मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, अपनों के लिए जी रही हूँ। सब यही रहता है कि कुछ भी अगर कोई भी बात होती है, अभी दो तीन दिन पहले मैंने ऐसी बैठे थे तो मैं बोल रही थी, मन का इससे अच्छा तो मैं ही मर जाती, ये रह जाती तो अच्छा होता, कम से कम ये तो था कि सब चीजें तो ले लेते, कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए कर लेते, मैं क्या ही करूंगी अपने बच्चों के लिए। तो दक्ष ने यही चीज बोली, मेरे दक्ष का ना मेरे जैसा जी है, कोई भी बात होती है, कोई छोटी छोटी बात भी होती है, मुझे उस पे रोना आ जाता है, और बर्दाश्त करने को तो आप सब देख ही रहे हो, एक साल से इतना कुछ बर्दाश्त हो गया है, जब शरीर में से जान ही निकल गई वो बर्दाश्त हो गया तो और क्या ही बर्दाश्त होगा। तो जब दक्ष की एकदम आंखें भराई, फिर पता है मुझसे बोलता है, मम्मी ये चीज मत बोलना, एक मुझे कमेंट आई थी कि आपका छोटा बेटा केयरिंग है वो किस तरह सैड हो जाता है जब आप परेशान होते हो, किसी किसी का होता है कि दिख जाता है, किसी का होता है नहीं दिखता है, दक्ष का क्या है वो थोड़ा नॉटी है, उसकी चीजें दिखती नहीं है, लेकिन उसका जो मन है ना वो एकदम ऐसे ही है। अभी नाम नहीं लूंगी, लेकिन आज 22 तारीख है, रिमाइंड किया जाए तो एक हफ्ते पहले अभी ये चीज बोली गई थी, सोनू ये था, सोनू वो था, और सोनू ये कर सकता था, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए इनके लिए। तो दक्ष के लिए बोलते हैं डिटो कॉपी है दक्ष अपने पापा की, और सच में है ही वो अपने पापा की कॉपी। तो सफेद आंखें, गोल गोल आंखें, तो बोलते हैं जिसकी गोल आंखें होती है वो बेहा होता है। जो मेरे मौलसरे थे, है मौलसरे, वो ये चीज बोलते थे इनसे कि बहुत बेहा है तू, जो गोल आंखों का होता है ना वो बेहा होता है। तो दक्ष को सेम वही चीज बोलते हैं कि ये अपने पापा की टू कॉपी है। लेकिन अब इसे क्या बोला जाता है, उस दिन क्या बोला था, तू सोनू पे गया है लेकिन तू सोनू जैसा है नहीं। क्योंकि वाकई में एक होता है ना कि किसी किसी के अंदर जिगर होता है, मतलब कुछ भी कर देने का, कुछ भी बोल देने का। कोई कोई होता है कि उसे मन में ये हेजिटेशन होने लगती है कि यार किसी भी काम के लिए, जेंट्स में भी मैंने अक्सर देखा है कि वो बहुत सारी चीजों से घबरा जाते हैं, लेकिन इनका क्या था, मतलब इतने स्ट्रांग थे, इतने समझदार थे
कि सच बताऊं ना, तो सामने कोई भी माइकल आला के खड़ा हो जाए, लेकिन किसी से नहीं डरते थे, सीधा दम रखते थे कि उसके मुंह पे मार सकूं। लेकिन इतने टाइम में थोड़ा तो अपना असर हमें दे गए, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे जिगर में तो उनके जैसे बने, जिगर तो बिल्कुल अपने पापा जैसा वो रखे, क्योंकि बहुत ही अलग थे इस चीज में। चारों भाइयों में सबसे ज्यादा जिगर रखते थे वो, मतलब कोई भी ये नहीं सोचते थे कि कोई 10 खड़े हैं मेरे सामने, अकेले ही काफी होते थे, ऐसे थे वो। तो ये सारी यादें ही है जो अभी इस बीच रह गई है, इन्हीं को याद कर करके, इन्हीं के बारे में सोच के ये सोचती हूँ कि बच्चों का क्या है, बच्चों कैसे होंगे, क्योंकि अगर होते सामने समझाते करते बोलते तो अध्यक्ष तो रहा भी नहीं है। आप सबने अब से पहले देखा होगा, क्योंकि बहुत से बहन भाई तो सोचते थे मेरे एक ही बेटा है, क्योंकि पार्थ को ही आप अक्सर मेरे वीडियो ब्लॉग में देखते थे, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं। दक्ष तो 11 महीने का ही था, तब भी उसकी नानियों से लेके आ गई थी, और तब से वो यहाँ पे ही रहा था। सैड मोमेंट हो गया, सैड बातें हो गई, अब सोच ब्लॉग यहीं पे खत्म कर दूं, क्योंकि ये चीजें सोची और बोली, अब तक सर में ऐसा दर्द होने लगा। आज तो पूरा दिन वैसे भी नहीं कटेगा, क्योंकि अब गर्मियां स्टार्ट होने लगी है। फुको मत, खड़ा खड़ा। अब फूकने के लिए ना लोगों ने हमारी वीडियो ब्लॉग कम कर देना, हमें देख के मत फूकना, क्योंकि अब फुकाने के लिए एक सोल्यूशन आ चुका है, यानी कि गर्मी आ चुकी है। आप सबके लिए जो फूकने वाले हैं उनके लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म आ चुका है गर्मी, अब आप उससे जल सकते हो। जैसे कि विष्णु ने भी कहा कि मैं तो फूक गया। मैं यही बोलने वाली, मैं तो किसे देख के फूकगा, क्यों फूक रहा, किसे देख के। उसने बोल ही दिया कि आज इतनी ज्यादा गर्मी हो रही कि मैं फूकगा। चलो तो ये व्लॉग करते हैं हम यहीं पे खत्म। मम्मी ने बोला लड्डू को भोग लगाने के लिए, विष्णु तू लगा दीजिए लड्डू का भोग, ठीक, क्योंकि मैं तो भी नहाई ना हूँ। तुम दो के लगा ना, ना ना फिर लगाई हूँ, ऐसा तो मैं लगा देती ना, लगा। कर ले। चलो तो ठीक है, हम मिलेंगे। आज का मिक्स वेज वाला व्लॉग हो गया, मस्ती स्टार्टिंग में और फिर सैड भी बाद में। और इस वाले नाम के लिए, टैटू के लिए मेरे पास बहुत सारी कमेंट आती है, अभी भी मुझे पूछते। एक दिन मैं लाइव पे थी तब भी पूछा गया था कि आपने किसका नाम लिखवाया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा हो, PREETYUG, प्रीत योग मेरा और इनका नाम। और देख चला तो गया, मेरे बिन जी न लग रहा, इसका देखो स्क्रीनशॉट लेती हूँ, विकी का ही फोन है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कॉल रिसीव कर लेती हूँ।